हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन और बीट पर मैं प्रीतम आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीपीसीएल TG2 और आईटीआई सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है? वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करती है? तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करती है, जिसे हम AC भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अगला प्रश्न, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह कहलाता है? उसे अपचायक ट्रांसफार्मर कहते हैं और इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग्य नहीं है? तो आर्मेचर ट्रांसफार्मर का भाग्य नहीं है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र आउटपुट बटे इनपुट गुना 100। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय। भंवर धारा, जिसे हम एडी करंट लॉस भी कहते हैं। तो इसका लमिनेशन कोर होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है? तो डेल्टा में। अब अगला प्रश्न, सिलिका जेल कहाँ भरा जाता है? तो सिलिका जेल ब्रीदर में भरा जाता है। अब अगला प्रश्न, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? तो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें की जाती है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में की जाती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? तो ट्रांसफार्मर
स्थैतिक मशीन है जिसे स्टैटिक मशीन कहते हैं। अगला प्रश्न, क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा घटती है। अब अगला प्रश्न, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब अगला प्रश्न, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डैश बढ़ता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है। अगला प्रश्न, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक में तेल भरा होता है। अगला प्रश्न, नमी सोखने के बाद सिलिका जल का रंग कौन सा हो कैसा हो जाता है? तो नमी सोखने के बाद सिलिका जल का रंग गुलाबी हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब अगले क्लास में ट्रांसफार्मर के और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका मेरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।